हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट इज पर। फ्रेंड्स, हमारे सिस्टम में हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं पीएचपी के फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेटर से होते हुए, तो आईएएस आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल यूट्यूब पर प्रॉपर वे में नहीं मिल पाते तो आप मेरी वेबसाइट प्रोजेक्ट पोर्टल विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टेप्स के ट्यूटोरियल सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे ट्यूटोरियल एक सीरीज में अवेलेबल है, तो आप यहाँ से इन्हें इजीली देख सकते हैं और यहाँ से आप यूट्यूब पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए हमारा ट्यूटोरियल कंटिन्यू करते हैं। तो हम हमारे प्रीवियस वीडियो में कोर सेक्शन पर वर्क कर रहे थे, इसमें ये हमारा था, हमें से जो कोर्स है उसे एडिट करवाया था हमने। देन उसके बाद में कोर्स को एडिट करवाया था, देन कोर्स को डिलीट कराया था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जो इसका स्टूडेंट सेक्शन है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम इसके स्टूडेंट सेक्शन में वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक प्रॉपर लिंक बनाएंगे। तो मैं यहाँ से कोड ओपन करता हूँ। तो हम सबलाइन टेक्स्ट यूज करेंगे। तो सबलाइन टेक्स्ट और हम जाएंगे हमारे XAMPP HDoc और इसके साथ हमारा जाएगा ट्यूटोरियल SMS एप्लीकेशंस व्यू इंक्लूड के अंदर हमने यहाँ पर हेडर फाइल के अंदर इसका पाथ हमें डिफाइन करना है। तो हम यहाँ से इसके बॉटम में जाएंगे डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं, हमारा है मैनेज स्टूडेंट, तो मैं सर्च कर लेते हैं मैनेज स्टूडेंट आ गया है, तो इसे हमें हाइपरलिंक करना है। तो यहाँ पर हमें देना होगा, इसका हम एक स्टूडेंट नाम से एक कंट्रोलर बनाते हैं, स्टूडेंट स्लैश मैनेज कंट्रोल। तो अब हम ये स्टूडेंट नाम का कंट्रोल क्रिएट करेंगे। तो हम इसे रिलोड करते हैं और मैनेज स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करा तो हमने ये यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और एक नया कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। तो कंट्रोलर के हम जाएंगे कंट्रोलर फोल्डर में और यहाँ पर हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो हम इसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इसको हम कैपिटल करते हैं .php देन लिखते हैं php देन क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स ci कंट्रोलर। देन यहाँ पर हम इसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट PARENT :: अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। देन यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जो हमारा फंक्शन होगा उसका नाम हम ईयर वाला रखेंगे, ऐसा नाम का भी करेंगे। और यहाँ पर हम फिर पेस्ट करते हैं और इसे हम करते हैं एको और चेक करते हैं इसे हमारा फंक्शन रन करा रही, ये हमारा वर्क कर रहा है। तो अब हम हमारा जो प्रीवियस बने हुए कंट्रोलर से उन्हें ओपन करेंगे। तो हम करते हैं स्कूल को ओपन और स्कूल में से हम ये वाला सेक्शन कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम बेसिक स्ट्रक्चर हमारा चलता है देख, तो हम उसे स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेंगे। तो हमारा जो पुराना कोड है हम उसी को रीयूज कर करके चलते हैं, तो हमारा कोड जो है हमारे पूरे प्रोजेक्ट में सेम रहेगा। देन टेल और यहाँ से भी हम इसे कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके एक पेज क्रिएट करते हैं, यहाँ से पेज करेंगे देन न्यू फाइल क्रिएट करते हैं
एंड हम चलते हैं हमारे व्यू फोल्डर में, यहाँ पर हम फाइल क्रिएट करेंगे, पेस्ट किया, सॉरी ने नाम कॉपी नहीं किया, तो इसे हमने ऐसे कॉपी किया, देन इसे सेव किया, व्यू और यहाँ पर आके हम करेंगे पेस्ट, लिखेंगे डॉट पी एच पी, और अगर वह हमारे पेज पर लोड करते हैं तो हमारा व्यू ओपन हो रहा है। देन इसके लिए हम डिज़ाइन के लिए हमारा जो प्रीवियस हमारे पेज बने हुए हैं उसी को किसी को पेज को यूज़ करेंगे, तो हम कैटेगरी वाले पेज को यूज़ कर लेते हैं, तो हम इसे डिस्क कॉपी करेंगे, देन ऐसे करते हैं पेस्ट, और इसमें अभी इसमें बहुत सारी चीज़ कैटेगरी हमने ऐसे डिस्क कॉपी की थी, ऐसे डिस्क रन कर जाएगा, हमने कैटेगरी वाला सेक्शन ही कॉपी करा था, तो ये हमने भी कैटेगरी वाला एचटीएमएल यूज़ करा है। अब हम इस एचटीएमएल को एडिट करके एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के हिसाब से इसे कन्वर्ट करेंगे, तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर होगा इसके लिए स्टूडेंट, स्टूडेंट हो चुके हैं, एंड अब हम सबसे पहले हमारा जो फॉर्म है जिसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जो पॉपअप आता है हम इसे मैनेज करेंगे, तो ये जो न्यू कैटेगरी पॉपअप आता है हम इसे अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के हिसाब से रेडी करेंगे, तो ये है हमारे बॉटम पे, तो यहाँ पर एड न्यू कैटेगरी का एड न्यू स्टूडेंट करेंगे, स्टूडेंट, देन इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हम फॉर्म को आज रेडी करेंगे, सबसे पहले आएगा यहाँ पर एंटर स्टूडेंट नेम, देन से मटा पे तो इसे कर देंगे हम सेल्स नेम, और यहाँ पर भी करेंगे हम स्टूडेंट नेम, देन से हम कॉपी करेंगे यहाँ से, देन यहाँ पर लिखेंगे फादर्स नेम, तो यहाँ पर आ जाएगा नेम, और यहाँ पर भी होगा एफ नेम, फादर्स नेम, यहाँ पर उसकी क्लास सिलेक्ट होगी, यहाँ पर हम क्लास को लेकर कैटेगरी देते हैं, कैटेगरी कैटेगरी कैटेगरी, देन यहाँ पर कैटेगरी, और यहाँ से हम उसकी क्लास सिलेक्ट कराएंगे, यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन होंगे जैसे हम कुछ चेंज नहीं करते हैं अभी, बाद में हम इसे क्लास चेंज कराएंगे और यहाँ शो करवाएंगे, देन हमने यहाँ से स्टूडेंट की क्लास सेट करी, एंड उसके बाद हम यहाँ से लेंगे एंटर स्टूडेंट डी ओ बी, देन इसका जो टाइप हम रख देंगे डेट डेट, और इसका नाम देंगे हम डी ओ बी डेट ऑफ बर्थ, और आईडी भी हम देंगे डी ओ बी डेट ऑफ बर्थ, देन सकते हैं ज्वाइन डेट, और यहाँ पर देन अभी हमारे पास इतनी फील्ड हमें रिक्वायर्ड थी हमें इसी यूज करते हैं, और फिर हम सेव करते हैं,
देन हमारा इस पेज को हम रिलोड करते हैं, तो ये हमारा आ गए, तो ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। देन इसके बाद हमें यहाँ पर एक और चेंजेस करना है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं एड न्यू स्टूडेंट स्टूडेंट, देन ये करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिक पेज बन चुका है, इसके आगे अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आता लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसके अपडेट आपको मिलते रहे।